जब लोग किसी को पसंद करते हैं तो उसकी सारी बुराई भूल जाते हैं, और जब लोग किसी से नफरत करते हैं तो उसकी सारी अच्छाई भूल जाते हैं। यही वास्तव में होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी की बुराई कर रहा हो तो अच्छाई बताना भूल जाता है। मेरी एक बात आप लोग हमेशा याद रखना, अच्छों के साथ अच्छा बनो मगर बुरे के साथ बुरा नहीं। आपने बहुत पहले सुना होगा कि जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। आपने बहुत पहले सुना होगा, शायद किसी ने आपको बताया होगा कि जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। अगर कोई आपको दो गाली दे तो उसको दो गाली देना चाहिए। अगर कोई आपको पीटे तो आप भी उसको पीटे। कि अच्छों के साथ अच्छा बनो मगर बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि लोहा लोहे को काट सकता है मगर कभी कीचड़ कीचड़ से साफ नहीं हो सकता है। इसी उम्मीद के साथ मैं एक्सेल की छठी वीडियो लाया हूं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं अपना एक्सेल ओपन कर लेता हूं और आगे का जो ऑप्शन है वो बताता हूं। ये रहा हमारा एक्सेल, और मैंने एक्सेल में एक छोटा सा डेटा तैयार किया है ताकि मैं आपको समझा सकूं, लेकिन आपको इस तरह का डेटा तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ समझाने के लिए ये किया था। आप क्या कर सकते हैं, आप 50, 20, 40, 30 ऐसे करके कुछ भी लिख सकते हैं, और जो ऑप्शन मैं बताने वाला हूं उसका प्रयोग कर सकते हैं। दैट मीन्स जो आज ऑप्शन मैं बताने वाला हूं उसके लिए आपको इस तरह का डेटा बनाना पड़ेगा। अब जो मैंने डेटा बनाया है, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा बनाइए। आप 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे करके कुछ भी लिख दीजिए, है ना, और फिर उस ऑप्शन का प्रयोग कीजिए, क्योंकि हम लोग अभी ज्यादा तो सीखे नहीं है। अभी हम लोग ज्यादा नहीं ना सीखे हैं तो फिर डेटा तैयार करने में दिक्कत होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है अभी डेटा तैयार करना। अभी हम लोगों को सिर्फ समझना है। अभी तो एक्सेल कहां समझे, अभी तो एक्सेल की कहानी यहां पे चली रही है। अभी हमने फॉर्मूले का इस्तेमाल कहां किया है, अभी सिर्फ यही चल रहा है रामायण की, भाई सेल ऐसे करो, सेल वैसे करो, मर्ज करो, है ना, रैप टेक्स्ट मर्ज सेल यो वो कर, यही सब हो रहा है अभी। बाकी अभी स्टार्ट फॉर्मूला हुआ कहां है ना। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा डेटा बनाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा सा समझा देता हूं कि एक डिजाइनिंग मतलब हम किस तरह से डिजाइन करें। अभी आप देख रहे हो कि जो डिजाइन मैंने यहां पर किया है थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो चलो भाई मैं डिजाइन करने के लिए बता देता हूं। ऐसे तो अभी बहुत डिजाइनिंग बचा हुआ है, अभी बहुत डिजाइनिंग बचा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि भाई ये कैसे डिजाइनिंग मैंने किया। ओके, देखो मैं यहां डिलीट कर देता हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया, बॉर्डर लगाया, है ना, क्या लगाया, बॉर्डर। ताकि हमने बॉर्डर क्यों लगाया, ताकि जब हम इसको प्रिंट करें तो बॉर्डर भी प्रिंट हो। सबसे पहले हमें बॉर्डर लगाना पड़ेगा। इस तरह का फॉर्मेटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले बॉर्डर लगाना होगा। तो मैं यहां से सिलेक्ट करूंगा और जाऊंगा यहां से बॉर्डर्स वाले ऑप्शन में और ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर दूंगा, तो हमारा क्या होगा, यहां पे ऑल बॉर्डर्स लग जाएगा, राइट। इसके बाद यहां मैं जाऊंगा, मैं जूम कर देता हूं थोड़ा सा, यहां मैं लिखूंगा सीरियल नंबर। अब क्या करने वाला हूं, मैं कर दूंगा इसको सेंटर, यहां पे देखो, इस पे क्लिक कर दूंगा तो जो हमारा टेक्स्ट है
वो सेल के सेंटर में आ जाएगा। अब क्या करने वाले हैं, अब जाएंगे यहां पर कलरफिल वाले में और इसको कर दें यहां से ब्लू। जब मैं ब्लू करूंगा तो इसका जो टेक्स्ट है, वो जो टेक्स्ट है उसकी जो कलर होनी चाहिए वो होनी चाहिए व्हाइट, मैं कर दूंगा व्हाइट। अब यहां जाऊंगा, यहां पर लिखूंगा नेम और इसको भी कर दूंगा सेंटर। सेंटर करने के लिए देखो यहां पे जाओ, सेंटर कर दो। अब इसकी जो कलर है कर दो मान लो येलो, तो ये ठीक है येलो में ब्लैक सही है। अब यहां जाओ, यहां पर क्या लिखा हुआ है टीवी है ना, तो मैं लिखता हूं यहां पे टीवी एलईडी, कुछ भी लिख दो ना यहां पे यार, कुछ भी लिख दो। मैं लिखता हूं टीवी और टैब दबाऊंगा एलईडी, फिर टैब दबाऊंगा, टैब दबाना है स्पीकर, टैब दबाऊंगा लैपटॉप, ऐसे करके आप कर दो और पूरे को सिलेक्ट करो और यहां से सेंटर कर दो। अब इसमें जाओ और यहां से करो मान लो ब्लैक कर दिया, तो इसकी जो टेक्स्ट कलर है उसको व्हाइट करो। इसमें जाओ इसकी कलर कर दो, ये फिल कर दो रेड, तो इसको जो टेक्स्ट कलर है उसको व्हाइट कर दो। यहां जाओ और इसमें कलर को फिल कर दो मान लो ये, तो ये ब्लैक सही चल रहा है, पता चल रहा है। यहां जाओ कर दो मान चलो ये वाला कलर, तो इसकी जो टेक्स्ट कलर है उसको कर दो व्हाइट। तो ऐसे हमने डिजाइन कर दिया। मैं सिर्फ समझा रहा हूं, ऐसे आपको एक से बढ़कर एक डेटा तैयार करने के लिए मैं बताऊंगा। अभी हमारा कोई मोटिव नहीं है कि मैं आपको डेटा तैयार करने के लिए बताऊं, क्योंकि अभी फॉर्मूले का प्रयोग हम लोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मेरे को समझाने के लिए करना पड़ रहा है ना। क्योंकि हो सकता है आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे और ऐसा डिजाइनिंग देख लेंगे तो लगेगा आपको भी कि सर मेरे को भी ऐसा डिजाइनिंग करना है, मैं भी ऐसा डिजाइनिंग करूंगा तभी ये ऑप्शंस का प्रयोग करूंगा। इसलिए मैंने आपको समझा दिया, ऐसे डिजाइनिंग आप कर लो, बस हो गया, यही करना था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया कैसे सेल को डिजाइन किया जाता है। ओके चलो आप बाकी कर लेना, अभी हमारा मोटिव वो नहीं है, अभी हम लोग होम मेन्यू पढ़ रहे हैं, ना कि कोई फॉर्मूला। लेकिन हां यहां पर जब जाएंगे सेल स्टाइल फॉर्मेट टेबल, तब समझ जाओ कि हम लोग डिजाइनिंग का काम शुरू कर देंगे। हम लोग सेल भी डिजाइनिंग करेंगे, पेज भी डिजाइनिंग करेंगे, टेक्स्ट भी डिजाइनिंग करेंगे, हम लोग सभी तरह के डिजाइनिंग एक्सेल के अंदर करेंगे, है ना। अभी आप लोग ना सिर्फ वेट करो। चलिए तो आज का ऑप्शन क्या है मैं दिखाता हूं। ये जो ऑप्शन आप देख रहे थे कल आपने यूज कर लिया था, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब मान लो कि ये है आपका नंबर, तो ये सिंपल है कि आप यहां से देखो ये जनरल है, आप चाहो तो देखो इसको कर सकते हो जनरल कर दोगे, उसके बाद चाहो तो नंबर में ऐसे कर सकते हो, करेंसी में कर सकते हो, है ना, सौ डेट जो भी आप परसेंटेज जो भी करना है ये सिंपल चीजें आप कर लेना। लेकिन ध्यान रखना एक बात कि आप कोई भी ऑप्शन यूज कर रहे हो और अगर समझ में ना आए, मान के चलो आप एक्सेल सीख रहे हैं और किसी भी ऑप्शन में जरा सा भी कोई दिक्कत हो, मैं फिर से कह रहा हूं नोट कर लेना, अगर आप एक्सेल सीख रहे हैं और आपको कहीं पर भी थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो आप एक बार ग्रुप में मैसेज जरूर करें, बाकी के जो स्टूडेंट हैं वो आपकी मदद करेंगे, मैं भी मदद करूंगा। लेकिन उस ग्रुप में इतने सारे स्टूडेंट हैं कि वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। ये मुझे बहुत ही इस बात के मतलब खुशी होती है ना कि जब कोई ग्रुप में कुछ प्रॉब्लम पूछता है तो बाकी के जो स्टूडेंट होते हैं वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो इस बात से मुझे काफी खुशी होती है कि भाई चलो कम से कम मेरा समय बच जाता है। तो आप ना कोई प्रॉब्लम होता है तो ग्रुप में मैसेज कर दिया करो, बाकी के जो बंदे हैं वो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे, ये मेरी गारंटी है, मैंने देखा इस चीज को, है ना। क्योंकि 200-300 लोग वहां पे जुड़े हुए हैं और सारे लोग वही हैं, तो क्यों नहीं मतलब आपको आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है ना। चलिए आज जो मैं बताऊंगा जो सबसे मेन ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, आपको मजा भी आएगा, वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, अगर आप इसके बारे में जानोगे ना तो आपको मजा आएगा। और मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि जब मैं बता रहा हूं, ठीक है, तो बताने के बाद आप घर पर प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि अभी मैं समझा रहा हूं आप समझ लेना, फिर आप घर पर प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। चलिए मैं देखता हूं, मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देता हूं। देखो अभी होता क्या मैं बता देता हूं, पहले आपके वैल्यू के अनुसार यह काम करता है, आपके वैल्यू के अनुसार यह काम करता है। अब क्या क्या करता है वो मैं समझा देता हूं। देखो
पहला है हाईलाइट सेल्स रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डाटा बार्स, कलर स्केल्स, आइकॉन सेट्स। बहुत मजेदार ऑप्शन है। अब चलिए हम लोग सीखते हैं। पहले मान के चलो कि मैं इतना सिलेक्ट कर लेता हूं, बस इतना है ना, मैंने इतना सिलेक्ट किया। इसीलिए ना पहले मैं ये चीज कहा था कि डाटा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप सिंपल ऐसे ही कुछ लिख दो और फिर इस ऑप्शन का प्रयोग करो, ठीक है। चलिए, तो मैंने यहां पर इतना सेलेक्ट किया। अब मैं जाता हूं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहां से जाता हूं हाईलाइट सेल में। यहां पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टैक्स द कंटेंट्स, एड एट, बहुत ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है। मैं दो तीन ऑप्शन का बताऊंगा, बाकी आप समझ जाएंगे। देखिए, ग्रेटर देन पे आप क्लिक कीजिए। ये कहता है कि अगर आप यहां पे मान के चलो कि आप यहां पे लिखते हो 30,000, तो 30,000 से जो भी बड़े वैल्यूज होंगे वो हाईलाइट हो जाएगा। मतलब आपने यहां पे कितना लिखा, आपने यहां पर 30,000 लिखा, यानी कि 30,000 से जितने भी वैल्यूज बड़े होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। देखो 30,000 से बड़ा कौन कौन है, 60,000, 74,000, 54,000, 62,000, ये, यानी कि जो जो 30,000 से बड़े हैं वो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग जांच कर सकते हैं। मान के चलो आपको पता करना है कि हमारे सीट में 10 से बड़ा कौन कौन है, 1,000 से बड़ा कौन कौन अंक है, 20,000 से बड़ा कौन कौन अंक है, तो आप ऐसे जांच कर सकते हो। हाँ, यहां पे रेड कलर का हाईलाइट कर रहा है ना, 30,000 से जो जो बड़ा है वो रेड कलर में दिखा रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, यहां पे चेंज कर सकते हो, येलो कर सकते हो, यहां पे ग्रीन कर सकते हो, जो भी, या फिर कस्टम में जा करके आप यहां से चूज कर लोगे कोई भी कलर। देखो आपको जो भी इच्छा है वो कर सकते हो। आप मान रेड कर रहे हो तो रेड करके भी आप यहां से कर सकते। देखो ये फिल मैंने कर दिया, ओके, ये मैंने फिल कर दिया। जहां जहां हमें ये दिखाई दे रहा है कि 30,000 से बड़ा है वो ऑटोमेटिक ये हाईलाइट हो गया। कैसे, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, आप यहां से लेकर के यहां तक सिलेक्ट कर लो, अब जाओ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहां से ग्रेटर देन। अगर आपको ये करना हो कि 40,000 से बड़ा कौन कौन है तो यहां पे 40,000 लिख दो, ऑटोमेटिक हाईलाइट कर देगा, है ना। और फिर अगर आपको एक्स्ट्रा कोई ऑप्शन यूज करना हो तो कस्टम फॉर्मेट में जाओ और यहां से फिल में, आप मान चलो आप चाहते हो ब्लू फिल करना तो ब्लू कर दो, अगर आप इसमें कोई बॉर्डर डालना चाहते हो तो यहां से बॉर्डर चूज कर लो, फॉन्ट चेंज करना जो करना है जो संभव हो। ऐसे तो यहां पे नहीं जाना आपको, ये सब आपको यूज नहीं करना है, ठीक है ना, ये सब यूज नहीं करना है, आप बॉर्डर और फिल का यूज करो, बस यही काफी है, और कर दो यहां से ओके, है ना। तो ऑटोमेटिक देखो यहां से ही हो गया। देखो आपने यहां डॉलर भी कर दिया, हमने करेंसी यूज कर लिया। जब मैं इसको सिलेक्ट किया था और कंडीशन में गए थे, हाईलाइट में गए थे और यहां से ग्रेटर देन में गए थे और यहां से गए थे यहां से कस्टम में, तो हमने यहां पर नंबर में करेंसी चूज कर लिया था। क्या चूज कर लिया था, करेंसी। लेकिन हमें ये सब चूज नहीं करना है, मैंने बोला ना कि इसको जनरल ही रहने दो। आपको यहां से बॉर्डर चूज करना है तो कर लो, नहीं तो ये भी छोड़ो, सिर्फ फील को चेंज कर लो, है ना। पैटर्न अगर डालना हो तो भाई पैटर्न भी डाल सकते हो और पकड़ दो ओके। देखो हमने पैटर्न भी डाल दिया तो पैटर्न भी डल गया। जो भी यहां पे शायद मैंने 30,000 से बड़ा किया या 40,000 से, पता नहीं, तो जो जो 30,000 से बड़ा होगा, 40,000 से बड़ा होगा, वो हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत यहां पे खराब लग रहा है, ये हटा दो, आप समझ गए। आगे देखिए, आप इसको फिर से सिलेक्ट कीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, अब यहां से लेस देन। अब मान के चलो कि आप चाहते हैं कि जो 50,000 से छोटा हो वो हाईलाइट हो जाए, तो यहां से कर दो 50,000। जो भी देखो 50,000 से कम है ना, जिस भी सेल में 50,000 से कम वैल्यूज हैं वो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गया, खत्म कहानी। चलो आगे बढ़ते हम लोग, फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहां देखो बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है कि 30,000 से लेकर के 50,000 के बीच में जो जो हैं उसको हाईलाइट कर दो, 50,000 से लेकर के 1,00,000 के बीच में जो जो हैं
उसको हाईलाइट कर दो। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि 20,000 से लेकर के 50,000 के बीच में जो जो है उसको हाईलाइट कर दो। देखो कर दिया ना हाईलाइट, कर दिया ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आगे है आपका इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब मान के चलो कि आपने अपने सेल में 20,000, 30,000, 20,000, 30,000 मतलब एक वैल्यू को एक ही तरह की वैल्यू को आपने बहुत जगह लिखा है। नहीं समझ में आया? नहीं आया? मैं फिर से समझाता हूं। आपने एक्सेल शीट में एक ही वैल्यू को बहुत जगह लिखा है। मान लो कि यहां पर आपने लिखा 20,000, यहां पर भी लिखा 20,000 और आपने यहां पर भी लिखा 20,000। अब चाहते हैं कि जहां जहां 20,000 है वहां वहां ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाए, जहां जहां 50,000 है वहां वहां ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाए। तो आप सेलेक्ट करोगे जितने दूर में आपको चेक करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओगे और इक्वल टू करोगे और यहां से लिख दोगे 20,000। देखो तो जहां जहां 20,000 है वहां वहां ऑटोमेटिक ये हाईलाइट हो चुका है ना अमेजिंग ऑप्शन। अब आगे बात करेंगे यहां पे। अब देखो आगे खुद कर लेना टैक्स दैट कंटेंट्स। अब मैं यहां पे क्लिक करूंगा। अब यहां पे क्या करता है, यहां पे आपको टेक्स्ट लिखना होता है, टेक्स्ट। तो मैं मान के चलो लिख देता हूं सोनू। मैं यहां पे क्या करूंगा सोनू, तो क्या सोनू करने से ये होगा, क्योंकि यहां पे लिख रहा है टेक्स्ट। लेकिन जब मैं यहां पे टेक्स्ट लिखता हूं तो देखो यहां पे क्या कर रहा है, सोनू हाईलाइट नहीं किया। बट अब देखना क्या होगा, मैं यहां से इसको सिलेक्ट करूंगा पूरे को और यहां जाकर के टेक्स्ट दैट कंटेंट्स पे क्लिक करूंगा। अब यहां पे लिखूंगा सोनू, तो ये सोनू को हाईलाइट कर दिया, क्योंकि पहले हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहां पे ये जो आपका अंक है सिर्फ उसको सिलेक्ट किए थे। लेकिन जैसे ही हमने पूरे मतलब यहां पे नेम को भी सिलेक्ट किया और जो वैल्यू है उसको भी सिलेक्ट किया तब हाईलाइट हो गया। आप यहां पे कर दो जिया तो जिया हाईलाइट हो गया, आप यहां कर दो मदन तो मदन हाईलाइट हो गया। यानी कि आप जिसको हाईलाइट करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये टेक्स्ट को हाईलाइट करता है, यानी कि ये जो आप नाम वगैरह लिखोगे उसको हाईलाइट करेगा, ना कि ये आपके जो लिखा हुआ 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 इसको नहीं करेगा, उस नाम को हाईलाइट करेगा। फिर से मैं समझा देता हूं कि ये जो ऑप्शन है टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, ये आपके टेक्स्ट को हाईलाइट करता है, जो यहां पे नेम होता है एबीसीडी जो अल्फाबेट होता है उसको हाईलाइट करता है। ये जो आपने लिखा 1,000, 2,000 जो डिजिट ये आपने लिखा ये हाईलाइट नहीं करता है, ये आप याद रखना, ठीक है। अब बाकी जो ऑप्शन है वो खुद कर लेना। मान के चलो आपको जो डुप्लीकेट है उसको हाईलाइट करवाना है। डुप्लीकेट का मतलब अगर एक ही जैसा बहुत जगह लिखा हो रहेगा तो उसको हाईलाइट करेगा, आप ये कर लेना। आगे देखो टॉप बॉटम रूल्स, टॉप 10 आइटम, टॉप 10 आइटम। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक जो टॉप 10 है, जो सबसे ज्यादा मतलब हाई वैल्यूज हैं उसको हाईलाइट कर देगा। मतलब मान के चलो कि यहां पे देखो 30,000, सॉरी 30,000 नहीं है, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। यानी कि टॉप 10 का मतलब होता है कि जो सबसे बड़ा होगा, ठीक है, जो सबसे बड़ा होगा उसे चूज करेगा, और कितने, कम से कम मिनिमम 10 वैल्यू को, ये 10 वैल्यूज को चूज करेगा। टॉप 10 मतलब 10 वैल्यूज को चूज करेगा जो सबसे ज्यादा मतलब हाई रेंज में हो। अब मान लो 10 की जगह पे कर दो 5, तो टॉप 5 को ये हाईलाइट करेगा जो बड़ा होगा, है ना। मैं क्या कह रहा हूं, टॉप 5 का मतलब जो सबसे बड़े होंगे ना वही हाईलाइट होगा। उसी तरह से आप क्या कर सकते हो, यहां से टॉप 10% में, बॉटम में कर सकते हो, जो भी करना है एबव एवरेज। देखो आपको लग रहा होगा कि ये सब हमसे नहीं होगा, ये सब हमसे नहीं होगा, लेकिन ये सब हो जाएगा। आप किसी पर क्लिक करके देखो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा।
ये वो ऑप्शन है जिस पर क्लिक करते ही हमें उसका आंसर पता चल जाता है। चलिए अब हम लोग आगे का ऑप्शन देखते हैं, मगर ध्यान रहे आप घर पर एक बार प्रैक्टिस जरूर करें और देखें कि भाई कौन कौन से ऑप्शन हमें यूज करना आता है और कौन कौन नहीं। अगर कोई ऑप्शन का प्रयोग करने में दिक्कत हो तो ग्रुप में मैसेज जरूर करें, क्योंकि मैं होमवर्क के लिए जरूर छोड़ूंगा। मैंने कुछ ऑप्शन को छोड़ा है जिसको आप खुद से प्रैक्टिस करना, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक उसका मतलब समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारा नोट्स है, हमने अपने नोट्स में ये सारे ऑप्शंस को कवर किया है। अगर मान के चलो कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो ग्रुप में मैसेज करने से पहले एक बार हमारा नोट्स जरूर पढ़ें, क्योंकि हमने एक्सेल का एकदम इंडिया का नंबर वन नोट्स बनाया है जो कि 200 से ज्यादा पेज है, तो उसमें मैंने A to Z कवर कर दिया है। तो एक बार नोट्स जरूर देखें, है ना। आगे देखिए, आगे है डाटा बार्स। देखो यहां पे ग्रेडियंट फील्ड, सॉलिड फील्ड, देखो ये आपके वैल्यू के अनुसार ये कलर को फिल करता है। कोई बड़ा वैल्यू होगा है ना, तो थोड़ा सा बड़ा में ये शो करेगा। देखो यहां पे आप खुद देखो ना, देखो यहां पे देखो, मैं इस पे क्लिक कर देता हूं। देखो ये देखो यहां पे कितना था, 2 लाख, 3 लाख, तो और बड़ा हो गया। मतलब वैल्यू वैल्यू के अनुसार यहां पे दिखा रहा है। मान लो यहां पे कर दो 300, 3000 कर दो, देखो थोड़ा सा हाईलाइट हुआ, तो ये दर्शाता है कि किस सेल में कितना बड़ा वैल्यू वहां पे है। जैसे यहां पे 1 लाख है तो इतना दूर तक गया, इतना गया, इतना गया, देखो। तो वैल्यू के अनुसार यहां पे बार लग चुका है। आप इसको फिर से यहां से सिलेक्ट करो, यहां से सिलेक्ट करो और यहां से जाओ, देखो ये कर लो, ये ग्रेडियंट था जो करना है। उस तरह से यहां पे कलर स्केल भी यूज कर सकते, देखो यहां पे वाओ, ये यूज करना है तो यूज करो, वरना कलर स्केल से यूज करो। देखो देखो यहां पे, मतलब ये वैल्यू के अनुसार बता रहा है। अच्छा, उसके बाद आइकॉन सेट्स ये भी यूज कर सकते हो। देखो यहां पे बड़े जो ज्यादा, यहां पे देखो ना, देखो जो बड़े वैल्यूज हैं उसको देखो क्या कर रहा है, उसको अलग 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 कलर दे रहा है। देखो तो अगर आपको ऐसा यूज करना हो तो कर सकते हैं आप। देखो यहां पे वैल्यू के अनुसार कर रहा है ये सब, ठीक है। और बाकी ये सब मैनेज करने के लिए, न्यू रूल्स पे जाओगे तो यहां मैनेज करोगे, A to Z मैनेज करने के लिए, ठीक है। और ध्यान देना कि हाँ, ये देख लो, एक चीज और देख लो, यहां पे क्लियर रूल्स, आप जो यहां पे रूल्स लगाए हैं आप इसको ना सिलेक्ट करके आप इसको यहां से क्लियर कर सकते हैं। अब क्या रहा है, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, तो हाँ मैंने जितना सिलेक्ट किया है उसको ही क्लियर करना है, वरना पूरे करना है तो पूरे को आप कर सकते हैं, है ना। अब जो मैंने छोड़ा वो आपका होमवर्क हो गया, आप घर पर प्रैक्टिस जरूर करना। ऐसे जानते हो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है ना जो आप खुद से यूज करोगे। आप खुद देखो ना, यहां जा रहे हो तो सब समझ में आ रहा है, आप खुद यहां पे देखो ऑटोमेटिक समझ रहे हो, लेकिन फिर भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन होमवर्क मैं जरूर छोड़ूंगा, और होमवर्क घर पर बनाना, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो एक बार ग्रुप में मैसेज जरूर कर देना कि हाँ सर यहां पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन एक बार प्रैक्टिस घर पर जरूर करना, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे एक्सेल में उतना ही ज्यादा आप टैलेंट होंगे, है ना, उतना ही ज्यादा आप टैलेंट बनेंगे। क्योंकि एक्सेल इतना बड़ा है कि अगर मैं बताता चलूं तो मतलब 4 महीने भी हो जाएंगे लेकिन खत्म नहीं होगा। तो कम से कम इतना फर्ज बनता है कि आप होमवर्क जरूर बनाएं, है ना। और बाकी फिर कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर से वीडियो बनाएंगे, क्या दिक्कत है, फिर से वीडियो बनाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर फिर से वीडियो आएगा, ठीक है ना।